अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोगों ने समंदर के ऊपर बने हुए ब्रिज तो देखे होंगे। आपने देखा होगा कई नदी के ऊपर ब्रिज तो सिर्फ पिलर्स के ऊपर टिके होते हैं। इन पिलर्स को देखकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इतने गहरे पानी में इनको कैसे बनाया होगा, वो भी इतना महफूज कि बस, गाड़ियां और ट्रेन इस पर से आसानी से गुजर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो आज की हमारी ये वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों जब भी किसी नदी में पुल बनाना होता है तो सबसे पहले इस जगह का जायजा किया जाता है, फिर इसके मुताबिक पुल बनाए जाते हैं। दोस्तों नदी पर बनने वाले पुल कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज शामिल है। ये पुल इतने भारी होते हैं कि लाखों का वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। पुल बनाने में सबसे अहम काम इसका फाउंडेशन बनाना होता है, खास तौर पर तब जब पानी गहरा होता है। पिलर्स वाले पुल बनाने के लिए सबसे पहले पानी की स्पीड, ब्रिज बनाने पर इस पर पड़ने वाला वजन और इसके बाद गाड़ियों का वजन, सब पर रिसर्च करने के बाद ही पुल का काम शुरू होता है। गहरे पानी में पिलर्स को खड़ा करने के लिए कोफर डैम का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कोफर डैम एक ड्रम की तरह होता है जो स्टील की प्लेट के जरिए बनाया जाता है, जो शक्ल में सर्कल की तरह होता है। इसके बाद कोफर डैम को क्रेन की मदद से जहां पर पिलर बनाना होता है इस जगह पर रख दिया जाता है। इसको इस जगह रखने के बाद इसके अंदर का सारा पानी निकाल लिया जाता है। पूरा पानी निकालने के बाद कोफर डैम में नीचे की मट्टी नजर आती है। इसके बाद इसके अंदर पुल बनाने का काम होता है, यानी कि पिलर्स का फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसे बहुत सारे वर्कर मिलकर बनाते हैं। इसके बाद इसको स्टील और कंक्रीट से फुल कर दिया जाता है। कंक्रीट से बनाए गए पुल बहुत मजबूत होते हैं। ये पुल पानी का तेज बहाव और हवा आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके ऊपर आग लगने का भी कोई खतरा नहीं होता। पिलर का फाउंडेशन बनने के बाद पिलर पूरी तरह से बन जाता है। इसके बाद इसको क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इस पिलर के ऊपर पुल बनाया जाता है। लेकिन ज्यादा गहरे पानी में कोफर डैम वाला तरीका काम नहीं करता। जब समंदर में पुल बनाना हो तो उसके अंदर एक ठोस जगह तलाश की जाती है, फिर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस जगह पर खड्डा किया जाता है। खड्डा करने के बाद इसमें लोहे के बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं और इस पाइप में से सारे पानी को निकाल दिया जाता है और खाली कर दिया जाता है। इसके बाद पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है और पिलर तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे पिलर तैयार किए जाते हैं, इसके साथ साथ इसके ऊपर रोड बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। पुल का आधा काम समंदर के अंदर होता है तो आधा काम समंदर के बाहर होता है। बड़े बड़े पिलर्स को आपस में जोड़ने वाले कंक्रीट और सीमेंट के ब्लॉक को कारखानों में तैयार किया जाता है, जिसको बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बड़ी बड़ी शिप में डालकर समंदर के अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद इसको पिलर के ऊपर रखकर जोड़ दिया जाता है और इस तरह एक पुल तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।